बिजली का 30,000 रुपए का बिल है, 11,000 रुपए इसमें टैक्स है। और जालिम के बच्चों टैक्स हम देते हैं, एशाशियां तुम्हारी खत्म नहीं होती हैं। किसी मुल्क में यजीद का निजाम होता है, यहाँ पे शदाद नमरूद फरौन और यजीद के सारे निजाम मुसल्लत हैं। ये बिजली के बिल जो हमें दे रहे हैं ना, इन खंभों में जो बिजली आती है, इस मुल्क के माफिया को इन खंभों के साथ आवाम नहीं लटकाएगी। तब तक इस मुल्क में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती। IMF से तुम कर्जे लेके हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हो, ये तुम्हारी माँ के जहेज में जो कर्जे आए थे इनको वापस क्यों नहीं कर रहे? किसने खाए हैं ये कर्जे? किसके ऊपर आपने लगाए हैं ये कर्जे? ये आवाम ने कर्जे लगाए हैं, ये तुमने खाए हैं, तुम्हारे बच्चों ने खाए हैं। शहबाज शरीफ कहता है कि हम मुश्किल वक्त से निकल गए, तुम तो निकल गए मगर कौम कहाँ पे खड़ी है? रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा था, किसको मिला है? निजामे मुस्तफा का नारा लगा था, किसको मिला है? एशियन टाइगर का नारा लगा था, कब बना एशियन टाइगर? रियासत मदीना की बात हुई थी, कौन सी रियासत मदीना बनी है? ये सब मजे में है और मारा कौन जा रहा है? एक आम आदमी। और आम आदमी का कसूर क्या है कि जहाँ भी ये डुगडुगी बजाएंगे आम आदमी वहाँ पे नाचता हुआ चला जाएगा। तो मरियम को देखें आप, आजकल उसका पता ही नहीं है। वो कहती थी जब पेट्रोल महंगा हो वज़ीर आज़म चोर होता है। ना तो खान साहब ने कौम को रिलीफ दिया, ना इन्होंने दिया। यार इस तरह करो, हमारे घरों पे बम मारो, बजाय इसके रोज रोज के मरने के एक ही दफा हम मर जाएं। वैसे भी हम मुर्दा कौम है। मेरे पाकिस्तानियों आने वाले दिन बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अब माएं अपनी इज्जतें बेच रही हैं, बेटियां अपनी इज्जतें बेच रही हैं, भाई अपनी इज्जतें बेच रहे हैं। जज की बीवी है, वो जज कहता है कि इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। जज साहब आपको तो मैंने कोई चोट नहीं लगी हुई देखी कि आपके सर में आपकी बीवी ने नहीं मारा। वो ज़हनी तवाज़ुन सिर्फ मुलाजमा के लिए था कि अल्लाह का ये वादा है कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। खुदा की कसम मुझ जैसा सफेद पोश आदमी अब घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहा है। काम काज ही नहीं है, आप किधर जाए, कहाँ पे जाए, टकरे मारे क्या करें? कि खुदा बंदा तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाए, कि सुल्तानी भी अय्यारी है, दरवेशी भी है।